आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एम्ब्रॉन की तरफ से आने वाले एम्ब्रॉन EP56 एक वायर्ड ईयरफोन के बारे में। इसके बारे में आपको फुल डिटेल में रिव्यू देने वाला हूँ। इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है, साउंड क्वालिटी कैसी है, कितने का आता है, कहाँ से परचेस कर सकते हो, सभी डिटेल्स के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो प्लीज़ यार वीडियो में बने रहना। तो चलो सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग है, छोटा सा रिव्यू देख लेते हैं। तो ये है एम्ब्रॉन की तरफ से आने वाला एक वायर्ड ईयरफोन जिसका मॉडल है EP56, जैसा कि आप इस पे लिखा हुआ देख सकते हो, और वायर्ड ईयरफोन भी लिखा हुआ है। तो यार देखो, मैंने इसको जो है ऑफलाइन में परचेस किया है और इसकी प्राइस जो है इसके बॉक्स में बहुत ज़्यादा लिखी है, लेकिन काफ़ी कम दाम में मिल गया है। कितने का मिला है आपको आगे वीडियो में बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं इसके कुछ बॉक्स पे लिखे मेन स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है हाई बास, देन 3.5 mm स्टीरियो प्लग, यानी जो 3.5 mm जैक है वो है, देन उसके बाद सॉफ्ट सिलिकॉन ईयरबड्स और इनलाइन माइक फॉर कॉलिंग, मतलब इसमें माइक भी दिया हुआ है जैसा कि आप देख सकते हो। और यहाँ पर स्पेशल ऑफर प्राइस 149 rupees। तो आपने अगर पहले ही देखा होगा तो समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर नहीं देखा है तो मैं आपको बता दूं कि इसका प्राइस जो है सिर्फ 149 rupees है और यहाँ पर लिखा हुआ है इंडियन। देन बात करें इसके पीछे क्या लिखा हुआ है, तो पीछे ज़्यादा कुछ है नहीं, गेट हाई म्यूज़िक। उसके बाद इसके प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन में 10 mm का ड्राइवर आपको देखने को मिल जाता है। इसकी फ्रीक्वेंसी जो रिस्पॉन्स है वो है 20 Hz से लेकर 20 kHz तक। देन स्पीकर इम्पीडेंस जो है आपको 16 ohm का देखने को मिलता है। देन उसके बाद यहाँ पर सेंसिटिविटी इसका 107 dB देखने को मिलता है। सो अभी बात करें यहाँ पर इसकी प्राइस की, तो यहाँ पर प्राइस जो है काफ़ी ज़्यादा लिखा हुआ है, बट ये इतने का है नहीं, काफ़ी कम प्राइस में ये मुझे मिल गया था। तो बाकी तो कुछ है नहीं, तो चलो सबसे पहले आपको इसको ओपन करके दिखाता हूँ। तो इसको मैंने ऑलरेडी ओपन किया था थोड़ी सी टेस्टिंग के लिए, ठीक है। तो अभी मैं आपको यहाँ पर डायरेक्टली इसका ईयरफोन ही दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से ईयरफोन देखने को मिल जाता है। इसकी टोटल लेंथ है वो है 1.2 meter और इसके बॉक्स में पीछे भी मेंशन थी। तो यार वायर की क्वालिटी तो उतनी अच्छी नहीं लग रही है, बाकी ये मुझे सिर्फ 149 rupees में मिला है, तो कुछ शिकायत भी नहीं करूँगा मैं उतना। और ये जो है मतलब एक मजबूत सा केबल लग रहा है काफ़ी, बाकी ये रबर कोटेड है। तो सबसे पहले बात करें इसके 3.5 mm जैक के बारे में, तो ये जो है आपको सिल्वर कलर में ही देखने को मिलता है। बहुत सारे ईयरफोन जो है ना आपको गोल्ड प्लेटेड भी देखने को मिलते हैं, बट ये वाला नहीं मिलता है। और उसके बाद इसका शेप भी है कुछ डिफरेंट नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ईयरफोन जो थोड़ा सा एंगल में देते हैं या फिर ये जो है एल शेप में रहता है, बट इसमें नहीं है। और बाकी एक अच्छी बात यह है कि ये जो है एक रबर काइंड ऑफ इसको सेफ्टी प्रोवाइड किया हुआ, जिससे कि अगर आप इसको जेब में भी रख के यूज़ करते हो ना तो ख़राब नहीं होगा, काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग ये हो जाएगा। तो यही है, बाकी वायर की क्वालिटी तो नॉर्मल सी है, थोड़ा सा मतलब मजबूत लग रहा है। जो 50-60 rupees वाले ईयरफोन आते हैं ना, उससे तो थोड़ा सा ये जो है मजबूत लग ही रहा है। और उसके बाद बात करें इसके माइक की, तो यहाँ पर प्लास्टिक जो यूज किया है वो भी नॉर्मल सा ही है, कुछ इसमें खास नहीं है। और यहाँ पर पीछे एम्ब्रॉन की ब्रांडिंग की गई है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक बटन देखने को मिल जाता है कॉल रिसीव और रिजेक्ट करने के लिए। देन उसके बाद यहाँ पर एक आपको माइक देखने को मिल जाता है, जहाँ पर है वाईफाई का सिंबल बनाया हुआ, पता नहीं क्यों। तो बात करें इन दोनों के बारे में, तो यहाँ पर देखो यार इसका डिज़ाइन जो है थोड़ा सा अलग देखने को मिल जाता है, पूरा प्लास्टिक का ही है, कुछ भी आपको मेटल का देखने को नहीं मिलता है इसमें। और इसका डिज़ाइन जो है मुझे थोड़ा सा अटपटा लग रहा था, बट अब जब ये बॉक्स में था, लेकिन अभी ये जो है थोड़ा सा अच्छा लग रहा है मेरे को। और उसके बाद बात करें कि यार ये जो है इसके जो सिलिकॉन की टिप्स दी गई है ना, ये भी उतनी सॉफ्ट नहीं है, नॉर्मल सी है, जैसा कि आपको सस्ते वाले ईयरफोन्स में देखने को मिलता है। और यहाँ पर L लिखा हुआ है, यानी ये लेफ़्ट ईयर के लिए है। यहाँ पर R लिखा हुआ है, यानी ये राइट ईयर के लिए है। और उसके बाद आपको इसमें एक अच्छी बात ये देखने को मिल जाती है कि आपको यहाँ पर जो है एक ग्रिल देखने को मिलती है, मेस ग्रिल, जिसकी मदद से जो इसके अंदर जो है बिल्कुल भी डस्ट नहीं जाएगा। तो ये बात मुझे इस ईयरफोन में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। सो फ्रेंड, अभी बात करें क्या इसके साथ में कुछ एक्स्ट्रा ईयर टिप्स देखने को मिलते हैं कि नहीं, तो आप जैसा कि बॉक्स में देख ही सकते हो कुछ बचा नहीं है निकालने के लिए, सिर्फ यही नॉर्मल सी पैकेजिंग थी। तो इस ईयरफोन के साथ में आपको बिल्कुल भी कोई एक्स्ट्रा टिप्स देखने को नहीं मिलता। अगर आपके पास पुराने ईयर टिप्स है तो आप उसको यूज़ कर सकते हो, या फिर आपको इससे ही काम चलाना पड़ेगा, ये भी है नॉर्मल से है, बाकी आप इससे मतलब उतनी अच्छी क्वालिटी एक्सपेक्ट मत करना। तो चलो मैं आपको यहाँ पर छोटी सी टेस्टिंग करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने फ़ोन ले लिया है और उसके बाद जो है मैं इस ईयरफोन को जो है यहाँ पर इंसर्ट कर दूँगा। तो कुछ इस तरीके से मैंने लगा दिया है, और लगाने के साथ में जो है आपको यहाँ पर एक नोटिफिकेशन देखने को मिल जाता है कि ये जो है मतलब ईयरफोन अटैच हो चुका है। तो चलो यहाँ पर आपको टेस्टिंग करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ से एक सॉन्ग प्ले करता हूँ, और फ़िलहाल तो ऐड आ रहा है, इसको स्किप करता हूँ मैं।
तो हमारा गाना यहाँ पर चालू हो चुका है, तो मैं आपको यहाँ पर इसका जो है आवाज़ चेक करके दिखाता हूँ। तो आपको नॉर्मली अभी कुछ सुनाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि माइक जो है इससे काफ़ी ज़्यादा दूर है। तो यहाँ पर मैं इसको माइक को लेके आता हूँ, उसके बाद आप इसकी आवाज़ को सुनो। तो देखो यार, आपको जो है मैं फिलहाल सिर्फ इसी तरह के टेस्टिंग करके दिखा सकता हूँ। आपको कोई भी यूट्यूबर जो है आपको पूरा फुल एक्सपीरियंस नहीं देने वाला है जो कि आपको रियल में मिलता है। तो यार आपको अगर इसको रियल में एक्सपीरियंस करना है तो आप इसको डेफिनेटली परचेस कर सकते हो। ये जो है 149 रुपीज़ में काफ़ी अच्छा ईयरफोन देखने को मिल जाता है। फ्रेंड्स, मैंने इस प्रोडक्ट का जो है अनबॉक्सिंग और छोटा सा मैंने अपना खुद का रिव्यू भी आपको जो यहाँ पर शेयर करके बता दिया, और आई होप कि यार आपको पूरा डिटेल में समझा होगा। फ्रेंड, मैं इसको कुछ दिन से यूज़ भी कर रहा हूँ और इसकी क्वालिटी एक्चुअली में अच्छी निकल के आ जाती है। साउंड क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, जिस प्राइस रेंज में आता है ना, वन ऑफ द बेस्ट आप बोल सकते हो कि यार अच्छा सा ईयरफोन निकल के आ जाता है। तो अगर आप इसको परचेस करना चाहते हो तो उसकी बेस्ट बाय लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जरूर एक बार चेकआउट करना। और इसी तरह की वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।